गणेश नाइक ने नवीन गौतम को दिया आशीर्वाद, दावा दोहराया फिर बनेगा बीजेपी का महापौर। नवम्बरी मनपा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए नवीन गौतम को लेकर आज बीजेपी एमएलए गणेश नाइक ने बड़ा बयान दिया। मनपा मुख्यालय में मीडिया से रूबरू गणेश नाइक ने कहा कि नवीन गौतम हों या कोई नगर सेवक, ऐसे लोगों के दूर जाने का उनका अनुभव पुराना है। उन्होंने कहा कि जनता ने सदैव मेरे कार्य और विचारधारा को मान दिया है और उसी के अनुसार नवम्बरी के महापौर बने हैं। लोक नेता गणेश नाइक ने नुकसान को दरकिनार करते हुए कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि नवीन गौतम जिस भी पार्टी में रहें वहां उनकी हर तमन्ना पूरी हो और वे खुशहाल रहें। मैं तो ये बोल रहा हूं कि भगवान उनको वहां मन शांति दो, उनकी पूरी गिरा दे, उनके जो कुछ भी उम्मीद है वो पूरी करो। मैंने अभी अभी कहा कि नई मुंबई की जनता सुजान है, किसको चुना के देने के बाद में हमारे काम हो जाएंगे, किसके नेतृत्व में ये शहर का विकास हो ये जनता ने जाना हुआ। इसलिए 1995 से लेकर 2020 तक के सभी महापौर गणेश नाइक के विचारधारा के, मतलब जनता को समझने वाले, जनता की सुख दुख की चर्चा करने वाले और उस पर रास्ता निकालने वाले निकले हैं। जैसे कि अभी संजू नाइक पहला महापौर था, बता दें कि अगले 10 दिनों में नवम्बरी मनपा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। ऐसे में गणेश नाइक ने कहा कि कोई भी आया जाए लेकिन नवम्बरी की जनता सदैव हमारे साथ रही है और जनता को पता है कि उन्हें खुशहाली कौन दे सकता है और नवम्बरी का विकास किसके जरिए हो सकता है। इसलिए सीटें भले ही कम ज़्यादा हों लेकिन मनपा में बीजेपी की सत्ता होगी और महापौर भी हमारा ही बनेगा। असलेला जनतेच्या भावनांची कदर करणारा महापौर होण्याकरता, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा महापौर होण्याकरता जेवढी संख्या लागेल तेवढी संख्या निश्चितपणे ही जनता देईल असा माझा विश्वास। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्हीवन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्हीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।